आज अमन कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही ईमानदार व्यवहार कुशल हमारे परम आदरणीय सीओ साहब, हमारे बीच में मौजूद हैं हम सबके बड़े भाई, हमारे करम फरमा भाई रमेश वाजपेयी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं, अन्य हमारे पत्रकार गण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन सब का बहुत ही यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ और बहुत ही सफल संचालन करने की सलाहियत रखने वाले मेरे भतीजे अर्पित शुक्ला जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मुकामी पुलिस के अफसरान, आदरणीय सीओ साहब, एसडीएम साहिबा, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, दीगर तमाम अफसरान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए और पूरे जनपद सीतापुर में बहुत ही सकुशल वो संपन्न कराए चुनाव। अधिकारियों का बहुत ही अहम रोल रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। आज की ये मीटिंग अमन और शांति कमेटी की मीटिंग रही है, बुलाई गई है, आप सब लोग दूर दराज से यहाँ आए हैं, आपका बहुत हार्दिक स्वागत। महमूदाबाद कस्बा एक बहुत ही रवायती कस्बा रहा है और यहाँ पर कभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि कोई आपसी खलफिशार यहाँ रहा हो। कभी कभी ऐसे भी मौके आए हैं कि मुहर्रम और दशहरा या और ऐसे त्यौहार आए जो एक ही वक्त एक ही दिन में पड़ गए, लेकिन जाहिर है कि महमूदाबाद कस्बा एक रवायती कस्बा रहा है और यहाँ के लोग बहुत ही अमन शांति के साथ रहने वालों में जिनका शुमार होता है। उसमें रमेश वाजपेयी जी का भी मेरा बहुत पुराना साथ है और बहुत ऐसे हालात महमूदाबाद में आए। कुछ लोग होते हर जगह ज़रूर हैं, हर संप्रदाय में होते हैं, हर जात और बिरादरी में होते हैं, लेकिन यहाँ का जो वर्चस्व रहा वो अमन का रहा, शांति का रहा। रमेश वाजपेयी जी इस बात के साक्षी हैं कि तमाम ऐसे हालात आए कि उस वक्त महमूदाबाद कस्बा जो था वो नफरत की आग में झुलस सकता था और बहुत हालात ख़राब हो सकते थे, लेकिन रमेश वाजपेयी जैसे लोग और तमाम इनके साथ के रहने वाले और हमारे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी काविश, उनकी जद्दोजहद और उनका प्यार मोहब्बत जो था हिंदू मुसलमानों का, वो आपस में इस कदर था कि आमने सामने बैठ लिए, दोनों फरीक बैठ लिए और हमेशा वहाँ पर अमन सालसी की जो पॉलिसी थी उसको अपनाया और प्यार और मोहब्बत के वातावरण में वो तमाम मामला सुलझा लिए गए। मैं समझता हूँ कि आज इन मौक़ों पर ऐसा कोई वाक़ा महमूदाबाद में नहीं है। आने वाली शब कदर के दिन मुसलमान बहुत ही पुरमन तरीके से जाते हैं और कब्रिस्तान में फातिहा दुरूद जो भी होता है वो करके मस्जिदों में अपनी इबादत की रात को गुजारते हैं, और इसी तरीके से जो होली है उसमें भी बहुत अमन और शांति के साथ वहाँ पर लोग रहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, दोनों फरीक के जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि लम्हा जो है ख़ता करता है लेकिन सदियाँ भुगतती हैं। आज ये अमन कमेटी करने का मकसद जो है सीओ साहब का वो ये है या ज़िला इंतज़ामिया का मकसद ये है कि आप परेशान न हों, ये भी हमारे लिए कोशिश है कि अगर हम पहले से वार नहीं करेंगे, पहले से हम सारी निगरानी नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि हमारे नौजवान बच्चे कुछ इस तरह हो सकते हैं कि मुश्तहिल हो जाएं और हालात बिगाड़ दें। उस वक्त फिर कानून जो है अपना जब काम करेगा तो हमारी सारी शेखी जो है बिगड़ जाएगी। लिहाजा मेरा आप लोगों से अनुरोध है, एक पैगाम है, आप जहाँ सारे बुद्धिजीवी समझदार लोग हैं, हम समझते हैं कि ये पैगाम, हसीन खान साहब बैठे मुझे घूर रहे हैं बहुत देर से धूप में, आप साय में आ जाइए, बिरासी के प्रधान जी आप साय में आ जाएं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि बहुत अमन और शांति के साथ आप रहने वाले लोग हैं। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें समझाने की ज़रूर ज़रूरत है, जैसा कि मैंने कहा कि वो वक्त ना आ जाए कि लम्हे ख़ता करें और सदियाँ भुगत जाएँ, उस लम्हे से हमें डरना है और कानूनी तरीके से मज़हब कोई भी हो, मौलाना कासिम साहब अभी कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि मजहबी होना, कट्टर होना बहुत बेहतर चीज़ है। अगर मजहबी आप नहीं हैं, कट्टर नहीं हैं तो नेक रास्ते आप उस पर चल नहीं सकते, इसलिए कि जो मजहब का मानने वाला है हर मजहब में अमन और शांति की बात की गई है और हमेशा ये कहा गया है कि इंसानी जो कद्र है उसकी पासदारी करना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण जो है उसको हमेशा आगे आना चाहिए। इस तरह की हमारी जब भावना होगी हमारा देश आगे जाएगा। हिंदुस्तान देश इतना बड़ा
देश हमारा है और यहाँ पर मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। सबको अपनी तरह से अपने रीत रिवाज के हिसाब से अपने मजहबी अकीदे की बुनियाद पर यहाँ पर मजहब को मनाने की पूरी आज़ादी है। हिंदुस्तान से अच्छा पूरी दुनिया में कोई देश नहीं होगा। हमें इस हसीन गुलशन को बचाए रखना है, नफरत की आग से झुलसने से बचाए रखना है। और आदरणीय सीओ साहब, मैं बहुत इन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि एक जस्टिस अफसर हैं और ईमानदारी के साथ यहां पर अपने मसाइल को हल करते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी काविश और मेहनत से महमूदाबाद का जो कस्बा रहा है और इसमें जो एक तारीखी चीज़ रही है वो हमेशा कायम रहेगी। मैं उर्दू के एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि हम एक अहद भी है, एक इसमें हमें फैसला भी लेना है और एक पैगाम भी है कि हम फिरका परस्ती के अंधेरे से बचेंगे, हम फिरका परस्ती के अंधेरे से बचेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।